अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस बार वीडियो लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज लास्ट जो कि मेंसुरेशन की है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो लेक्चर विद इट। इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सर्फेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताया गया एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जिस सिलेंड्रिकल टैंक में हमने आखिर में रखना है बेटा पानी, उस सिलेंड्रिकल टैंक के रिगार्डिंग में बेटा तीन सिचुएशन बताई गई है। हमें बताना है इन तीनों सिचुएशन में इंडिविजुअल तरीके से हमने ऑब्जर्वेशन के बाद बताना पड़ेगा किस किस सिचुएशन में आपको इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और किस किस इंडिविजुअल सिचुएशन में आपको बेटा इस सिलेंड्रिकल टैंक का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक बेटा। चलिए बेटा पहली सिचुएशन क्या है हमारे पास में इस सिलेंड्रिकल टैंक के रिगार्डिंग में, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। देखिए बेटा अगर हमें देखना पड़ेगा हमारे इस गिवन सिलेंड्रिकल टैंक में कितना हम मैटर रख सकते हैं, हाउ मच इट कैन होल्ड मतलब वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है। अगर हमें किसी सॉलिड का वॉल्यूम पता होगा तब जाके हम बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, और तब जाके बता सकते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, कितना क्वांटिटी ऑफ कोई और मैटर हम रख सकते हैं। तो इसका मतलब सिचुएशन फर्स्ट में हमने सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकालना है। सिंपली आपको बेटा ये लाइन लिखनी है, इन दिस सिचुएशन, पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको लिखना है बेटा इन दिस सिचुएशन, In this situation, we need to find the volume of cylindrical tank. Cylindrical tank, ठीक बेटा, ये पहली सिचुएशन में आपको करना है। That is बेटा V is equal to बेटा pi r square h, because हमारे पास में हमें पता है कोई भी सिलेंडर जो हमारे पास में होगा, ठीक, मान लीजिए यह हमारे पास में वो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक, तो अगर इसका बेस रेडियस r है और हाइट इसकी है बेटा h, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा V से अगर डिनोट करेंगे वो pi r square h से आएगा, where r is the base radius of this tank and h is the height। तो इसी तरीके से बेटा इस पहली सिचुएशन में हमने इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज गिवन बाय द अलजेब्रिक फार्मूला V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी सिचुएशन क्या दी गई है इस सिलेंड्रिकल टैंक के रिगार्डिंग में, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, कितने सीमेंट बैग्स हमें जरूरत पड़ेगी अगर हम इसको प्लास्टर करना चाहेंगे, यानी कि इसको सीमेटाइज करना है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को, सीलिंग को और फ्लोर को हमने बताना पड़ेगा कितने सीमेंट बैग्स हमें जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है एक सीमेंट बैग से कुछ फिक्स्ड एरिया हम इसका प्लास्टर कर सकते हैं, और हमें टोटल एरिया पता होगा सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल टैंक का, सही बात, तो हम उस एरिया को उस एरिया से डिवाइड कर, गिवन सिलेंड्रिकल टैंक के टोटल सरफेस एरिया को हम उस एरिया से डिवाइड करेंगे जिससे बेटा हम जो हम प्लास्टर कर सकते विद वन सीमेंट बैग, तो वहां से हमारे पास में नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स आएंगे। इसका मतलब दूसरी सिचुएशन में हमें बेटा इस सिलेंड्रिकल टैंक का कैलकुलेट क्या करना है, सरफेस एरिया। तो आप लिखोगे बेटा पार्ट नंबर सेकंड में, इन दिस सिचुएशन वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको करना पड़ेगा सरफेस एरिया कैलकुलेट, दैट इज बेटा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज दैट इज 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच, विच इज द फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सही बात। उसके बाद में पार्ट नंबर थर्ड हम देखेंगे, यहाँ पे पार्ट नंबर थर्ड में हमें बेटा सिचुएशन दी गई है फिर से इसी सिलेंड्रिकल टैंक के रिगार्डिंग में, वो क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स विच कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड में हमें जो सिचुएशन दी गई है सिलेंड्रिकल टैंक के रिगार्डिंग में, वो क्या बेटा, अगर हमारे पास में छोटी छोटी टैंक्स होगी, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, वो क्यूबिकल भी हो सकती है, वो क्यूबाइडल भी हो सकती है, हमें बताना है इन छोटी टैंक्स को, कितने छोटी टैंक्स को हम उस पानी से फिल कर सकते हैं जो कि हमारे पास में सिलेंड्रिकल टैंक में होगा।
वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज कि हमारे पास में टोटल वॉल्यूम सिलेंड्रिकल टैंक का है और जो छोटी टैंक्स में हमने पानी रखना है, इस गिवन सिलेंड्रिकल टैंक का जो पानी रखना है छोटी टैंक्स में, उन छोटी टैंक्स का भी हमारे पास में वॉल्यूम पता है एक टैंक का, और हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक को टोटल वॉल्यूम ऑफ द छोटी टैंक से डिवाइड करेंगे, वहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा? वहां से हमें मिलेगा नंबर ऑफ स्मॉलर क्लोज्ड टैंक्स विच कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द गिवन सिलेंड्रिकल टैंक। तो इस सिचुएशन में भी बेटा बहरहाल हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी आप बेटा यही लिखोगे पार्ट नंबर थर्ड में, इन दिस सिचुएशन वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। फिर लिखोगे बेटा ऐसे, दैट इज वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सही बात। तो इस तरीके से बेटा ये हो गया। पहले बेटा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बताता है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दो सिलेंडर दिए गए हैं, सिलेंडर ए सिलेंडर बी। सिलेंडर ए का डायमीटर 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर, हाइट उसकी दी गई है 7 सेंटीमीटर। बेटा पहले हमें सजेस्ट करना पड़ेगा इन दोनों सिलेंडर में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। उसके लिए कोई रीजन होगा, जिस रीजन की वो देख के बेटा हम बताएंगे। मान लीजिए कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है, फिर अगर हमने सजेस्ट किया सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है, फिर इस बात को हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा बाय एक्चुअली कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स के एक्चुअल में बेटा सिलेंडर बी का ही वॉल्यूम ज्यादा है। फिर उसके बाद में अल्टीमेटली जब ये चीज हम जज करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जिस सिलेंडर को हमने सजेस्ट किया था कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, वेरीफाई भी किया एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद, अल्टीमेटली फिर देख यहां पे हमें बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या उस सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज्यादा है जिसका वॉल्यूम ज्यादा था, या उसका सरफेस एरिया उस सिलेंडर से कम है जिस सिलेंडर का वॉल्यूम कम था। सही बात। तो चले बेटा अब हम पहले यहां पे सजेस्ट आपको करेंगे कि इन दोनों सिलेंडर्स में से किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। ठीक, देखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब क्योंकि पाई कॉन्स्टेंट है, हम बताएंगे वॉल्यूम जो है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू आर स्क्वायर एन एच। सही बात, पाई कॉन्स्टेंट है, पाई हर एक सिलेंडर का वॉल्यूम करने के दौरान बेटा पाई 22/7 या 3.14 है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब क्या बेटा, रेडियस के चेंज होने से बेटा वॉल्यूम चेंज होगा, इनफैक्ट रेडियस के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, हम बोलते हैं उसको, उस वक्त ये वॉल्यूम बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस। इसी तरीके से बेटा हाइट के चेंज होने से, सिलेंडर की हाइट के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा, इनफैक्ट अगर हाइट बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब बेटा इफेक्ट किसके इंक्रीज होने से वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा होगा? क्या वो रेडियस के इंक्रीज होने से ज्यादा इफेक्ट होगा वॉल्यूम के ऊपर, या हाइट के इंक्रीज होने से बेटा इफेक्ट होगा वॉल्यूम के इंक्रीज होने पर? इनफैक्ट बेटा वॉल्यूम डिपेंड करता है ऑन द सेकेंड पावर ऑफ द रेडियस, और वॉल्यूम डिपेंड करता है ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द हाइट। यहां पे पावर ऑफ वेरिएबल h क्या है बेटा, 1 है ना। पावर ऑफ रेडियस r क्या है बेटा, वो है ना 2। इसका मतलब जो बढ़ोतरी होगी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में, उसके लिए ज्यादा रोल कौन अदा करेगा? रेडियस करेगा बेटा। इसका मतलब इन दोनों सिलेंडर्स में से जिसका रेडियस ज्यादा होगा बेटा उसका ही वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये सजेस्ट हम करते हैं। अब बेटा सिलेंडर ए का डायमीटर है 7, रेडियस कितना आएगा? रेडियस आएगा हाफ ऑफ डायमीटर जो कि 7/2 आएगा। सिलेंडर बी का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर, 14 का हाफ हो गया बेटा 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आएगा बेटा 7/2 सेंटीमीटर। कौन नहीं जानता 7 सेंटीमीटर बेटा 7/2 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब हम सब सजेस्ट यहां पे करेंगे बेटा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ए। ठीक है बेटा, तो चले बेटा इस क्वेश्चन को यहां पे करते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा इसका सोल्यूशन, मैं लिखूंगा बेटा सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस आर
and height h is given by v is equal to pi r square h. ठीक, यहां पे हम लिखेंगे बेटा as v depends यानी कि volume depends upon the second power of radius, upon the second power of radius. So beta, so volume of cylinder B will be greater than the volume of cylinder A. ठीक बेटा, यानी कि क्योंकि बेटा रेडियस वॉल्यूम डिपेंड करता है अपॉन द सेकंड पावर ऑफ द रेडियस. और बेटा हम सजेस्ट इसलिए करेंगे जिस सिलेंडर का रेडियस ज्यादा होगा उसी सिलेंडर का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, क्योंकि सिलेंडर सेकंड का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, सिलेंडर फर्स्ट का रेडियस कितना है बेटा 3.5 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर का मतलब 3.5 सेंटीमीटर. इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि सिलेंडर बी का ही वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस वेरी थिंग कि जो हमने सजेस्ट किया कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम सिलेंडर ए के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, अब हम इस बात को वेरीफाई करेंगे बाय एक्चुअली कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए D1 से वो डिनोट करेंगे हम, जो कि बेटा 7 सेंटीमीटर है. इंप्लाइज दैट रेडियस R1 से डिनोट करेंगे वो 7/2 सेंटीमीटर होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा. सही बात, अगर डायमीटर बेटा 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका आएगा 7/2 सेंटीमीटर. ठीक बेटा, ऑल्सो इट इज हाइट सिलेंडर ए की हाइट क्या है, इट इज हाइट हम डिनोट करेंगे बेटा H1 से, बिकॉज दो सिलेंडर से हाइट H1 से डिनोट करेंगे जो कि बेटा 14 सेंटीमीटर है. सही बात, अब उसके बाद में हम लिखेंगे फर्दर डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी डायमीटर को हम D2 से डिनोट करेंगे सिलेंडर बी की, जो कि बेटा 14 सेंटीमीटर है. रेडियस कितना आएगा, इंप्लाइज दैट रेडियस R2 से डिनोट करेंगे वो बेटा 14/2 जो कि बेटा 7 सेंटीमीटर होगा. रेडियस होगा दूसरे सिलेंडर का बेटा 7 सेंटीमीटर. ठीक है, यहां पे हम फिर से लिखेंगे ऑल्सो इट इज हाइट, दूसरे सिलेंडर की हाइट क्या है, दूसरे सिलेंडर की हाइट हमारे पास में आने वाली है बेटा H2 से डिनोट करेंगे वो बेटा 7 सेंटीमीटर है. अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले सिलेंडर ए का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे फिर सिलेंडर बी का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलिए बेटा हम लिखेंगे क्लियरली वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स. ठीक है, मैं साइड बाय साइड कैलकुलेट करूंगा VA का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, y का बेटा पाई R1 स्क्वायर H1, और यहां पे हम दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे VB इज इक्वल टू बेटा पाई R2 स्क्वायर और H2 आएगा यहां पे. नाउ प्लग द वैल्यूज, VA का वैल्यू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फर्स्ट 22/7 मल्टीपल बाय R1 स्क्वायर, जो R1 स्क्वायर है R1 का वैल्यू कितना है 7/2, तो R1 स्क्वायर का मतलब 7/2 मल्टीपल बाय 7/2. सही बात, मल्टीपल बाय H1, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर ए, दैट इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, 14 लिखेंगे खाली, और बेटा जो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर आएगा वो क्या आएगा बेटा, दैट इज VB इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, जो रेडियस R2 है, R2 का वैल्यू हमारे पास में ये रहा जो कि 7 सेंटीमीटर है. क्या नहीं लिखेंगे 7 × 7 बिकॉज R2 स्क्वायर की वजह से. सही बात, तो उसके बाद में दूसरे सिलेंडर की जो हाइट है H2 वो फिर से बेटा 7 है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे, 7 1 7 तो ये 7 1 7 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 1 7 7 1 7 7 2 1 2 2 11 22 तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 1 2 2 7 14। ठीक, कुल मिला के यहाँ पे हमें क्या मिला, तो ऊपर में ये लिखने वाला हूँ, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। उम्मीद करते कि बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी शैल मूव ऑनवर्ड्स। तो ये मैंने बेटा किया यहाँ पे ये पूरा रब। ठीक, तो बेटा जो हमारे पास में वॉल्यूम आने वाला है बी ए, विच इम्प्लाइज दैट बी ए इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे आएगा 11 और 7 और 7। ठीक, 11 × 7 × 7 एंड जो वी बी आने वाला है दैट इज 22 × 7 × 7। बेटा ये 22 है ना, मैं इसको लिखूंगा बेटा 2 × 11 × 7 × 7 ताकि मैनुअली इसको हम कर पाए। बेटा 22 को मैंने लिखा 2 × 11 बिकॉज मैं यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए बेटा ये थोड़ा सा सिंपल में करना चाहूंगा अपने लिए, मैनुअली करने के लिए। सही बात, तो यहाँ पे 1 था तो 1 नहीं लिखना है, ये 7 जो था ये 1 बन गया तो इसको भी लिखना नहीं है। ठीक, विच इम्प्लाइज दैट जो वी ए का वैल्यू होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ए दैट विल बी इक्वल टू 11 × 7 = 49। सही बात, तो वो कितना आएगा एंड वी बी भी यहाँ पे हम आगे कैरी करेंगे दैट इज बेटा 2 times बेटा 7 × 7 = बेटा 49 आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा 11 × 49। देखिए बेटा यहाँ पे भी 11 × 49, यहाँ पे भी ये वाला फैक्टर 11 × 45 है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा उसको हम वहां पे डायरेक्टली लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 11 × 9 = बेटा 99 आएगा, 9 चढ़ेगी कैरी, 11 × 4 = 44 आएगा। ठीक है बेटा, 9 + 4 हो गए 13, 9 + 4 हो गए 13, 1 चढ़ेगा कैरी वो 53 आएगा। सही बात, यानी कि 11 × 4 = 44, 44 + 9 हो गए 53, 539 होगा। ठीक है, ये लेकिन क्या होगा बेटे, बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे एंड वी बी इज इक्वल टू बेटा 2 times 11 × 49। जैसे यहाँ पे आया बेटा 539, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा मल्टीपल बाय 539। तो यहां से क्लियरली हमें पता चल रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये 539 सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ पे बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी 2 times 539 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। तो जाहिर सी बात है कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ए, बिकॉज सिलेंडर बी का वॉल्यूम दुगना है। और इसका वजह क्या था, इसका वजह ये था कि सिलेंडर बी का जो रेडियस था ना बेटा, डायमीटर उसकी दुगनी थी लेंथ में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सिलेंडर की, जो सिलेंडर ए की जो डायमीटर थी, सिलेंडर ए की डायमीटर 7 थी, सिलेंडर बी के डायमीटर 14 थी, 14 बेटा 7 का दुगना होता है। दैट इज वाई बेटा यहाँ पे हमारे पास में अगर हम वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे बेटा, ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे और अपने कंसेप्ट को भी हम यहाँ पे बताएंगे, विच इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वी बी इज ग्रेटर देन वी बी इज ट्वाइस, वी बी इज ट्वाइस टी डब्ल्यू आई सी ट्वाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ, यहां हम ऐसे लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे हम आगे चलेंगे, हम लिखेंगे एंड वीबी इज इक्वल टू, वीबी इज इक्वल टू 2 times ये जो 539 है ना, 539 के बदले हम लिखेंगे वी ए, वी ए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वी ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट वी बी इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ट्वाइस टी डब्ल्यू आई सी ट्वाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है बेटा, सो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। तो इतना हमने किया, अब हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास में सिलेंडर बी है क्या उसका सरफेस एरिया सिलेंडर ए के सरफेस एरिया से ज्यादा होगा कि कम होगा। तो अब हमें बेटा उसके लिए करना पड़ेगा सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर का एक और एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग अलग से इनको सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए याद रखना बेटा सिलेंडर ए का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, लेकिन रेडियस आएगा 7 सेंटीमीटर, सिलेंडर ए का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ
now their surface areas will be, now their surface areas will be, इनके जो respect to surface areas होगी वो क्या होगी बेटा, surface area of cylinder A, total surface area मतलब 2 pi r into r plus h formula, सही बात। तो यहाँ पे आएगा 2 pi r1 into r1 plus h1, because जो हमारे पास में dimension है हमने लिखे बेटा अपने cylinder A के लिए, उसका radius r1 71 by 2 है और उसकी जो height h1 है वो 14 centimeter है, जो cylinder second का, cylinder B का radius है वो उसको हमने R2 से डिनोट किया जो कि बेटा 7 सेंटीमीटर है, जो हाइट है H2 से डिनोट की है जो कि बेटा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई R1 into R1 plus H1, और बेटा सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर B कितना होगा, वो होगा बेटा 2 पाई R2 into R2 plus H2 आएगा, H2 2 पाई R into R plus H है ना फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इधर में हम क्या करने वाले हैं, तो इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे, इंप्लाइज दैट सरफेस एरिया ऑफ द, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है बेटा, y का बेटा 2 into 22 upon 7, r1 का वैल्यू कितना है, r1 का वैल्यू है बेटा वहां से देखिए आप 7/2 है, 7/2 और मल्टीपल में क्या आएगा 7/2 और प्लस आएगा बेटा h1 जो कि बेटा 14 सेंटीमीटर है सिलेंडर फर्स्ट का बेटा जो हमारे पास में बन रहा है हाइट, ठीक है। तो एंड यहां पे हम लिखेंगे सिलेंडर बी का जो सरफेस एरिया है वो 2 इंटू 22 अपॉन 7 होगा मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर जो कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है R2, और यहाँ पे R2 प्लस H आएगा ना, H2 आएगा 7 प्लस 7 आएगा, सही बात। तो R2 प्लस H2, R2 का वैल्यू 7 और H2 का वैल्यू भी बेटा 7 है, तो इंप्लाइज दैट हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, तो कैंसिल आउट करेंगे 2 चला जाएगा इस 2 के साथ, 2 1 2 2 1 2 7 1 7 7 1 7 यहाँ पे आएगा कुल मिला के 22, कितना आएगा बेटा 22, और यहाँ पे क्या होगा बेटा क्रॉस मल्टीपल हम करेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा 7, 2 4 जा बेटा आएगा 8, 2 1 जा 2 28, 14 प्लस 14 हो गया बेटा 28, क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे डिवाइड 14 को 1, 7 जा 7 आएगा, बीच में आएगा प्लस 2, 14 जा 28 और नीचे आएगा बेटा 2, ठीक है। इस 2 को हम इस 22 से रिड्यूस करेंगे बेटा, 2 1 2 2 11 22, ठीक। और एंड SB का वैल्यू कितना आएगा, SB का वैल्यू सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड सिलेंडर विल बी इक्वल टू 7 यहां पे और यहां पे चला जाएगा 7 1 7 7 7, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा 2 into 22 आएगा बेटा 44 मल्टीपल बाय बेटा 7 plus 7 दैट इज 14 बेटा, यहां पे आएगा 14, तो कितना आएगा यहां पे, यहां पे हमारे पास में आया बेटा 44 मल्टीपल बाय 14 आएगा, ठीक। तो ये कैलकुलेट हम यहां पे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आएगा ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू 11 मल्टीपल किसके साथ करना है, 7 और 7 हो गए बेटा 14 हो गए, 7 और 8 हो गए 15 बेटा 15, 7 और 15 आप खुद कैरी, ये 5 तरफ 11 into 35 आएगा, कितना आएगा 11 into 35 आएगा यहाँ पे हमारे पास में ये वैल्यू, ठीक। और सिलेंडर बी का जो वैल्यू हो, सिलेंडर बी का जो सरफेस एरिया आएगा बेटा 44 into 14 जब आप करोगे बेटा इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 616, लेकिन क्या आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेटा जब इसका प्रोडक्ट हम मारेंगे यहाँ पे ये सिलेंडर ए का सरफेस एरिया आएगा 11 5 55, 5 चढ़े के कैरी 11 3 33, 5 चढ़े 8, ये आएगा 8 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सेकंड सिलेंडर फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, जाहिर सी बात है 616 जो है ना दैट इज ग्रेटर एज इन कंपैरिजन टू 385, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सिलेंडर बी का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ए, तो देयरफॉर बेटा जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा था उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार इक्वेशन वी कम टू नो दैट हमें ये बात पता चली, वी कम टू नो दैट द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम
is having the greater surface area, is having the greater surface area, greater surface area. यानी कि यहां से हमें स्टार और डबल स्टार से पता चल रहा है कि सिलेंडर जिसका ग्रेटर वॉल्यूम है बेटा उसका ज्यादा सरफेस एरिया है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा किया। ठीक, अब हम मूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रब दिस। ठीक है बेटा, चले बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बताया गया है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा यहां पे हमें बताया गया है कि एक क्यूबॉइड आपके पास है, एक क्यूबॉइड आपके पास है, हमें उसकी हाइट निकालनी है, लेकिन उस क्यूबॉइड का बेस का एरिया हमें दिया गया है, क्यूबॉइड का बेस का एरिया दिया गया है और उसका वॉल्यूम दिया गया है। मान लीजिए बेटा जिस क्यूबॉइड की बात हो रही है यहाँ पे, उस क्यूबॉइड को बेटा मैं यहाँ पे फ्रेम ही कर लेता हूँ। ठीक, मान लीजिए ये वो सेट क्यूबॉइड है जिसकी यहाँ पे बात चल रही है क्वेश्चन नंबर थ्री में। मान लीजिए ये वाला वो क्यूबॉइड है, ठीक, ये हमारे पास में वो क्यूबॉइड है। ठीक, हर एक क्यूबॉइड की तीन डायमेंशन होती है, कौन सी तीन बेटा, सर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। मान लीजिए इसकी लेंथ ये है, ये ब्रेड्थ बी है, ये हाइट एच है, ये बेस है। तो बेटा इस बेस का जो एरिया होगा वो बेटा बेस एरिया होगा जो कि बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। बेस एरिया आएगा बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और वो बेटा यहाँ पे दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे बेस एरिया दिया गया है। इसी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है जो कि आएगा बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट आएगा, सही बात, वो हमारे पास में दिया गया है बेटा 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें बताना है इस सिलेंडर की हाइट, इस सिलेंडर की नहीं बेटा, इस क्यूबॉइड की हाइट क्या है। फिर से मैं बताऊंगा, हमारे पास में एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के बेस का हमें सरफेस एरिया दिया गया है, बेस का एरिया दिया गया है, बेस का एरिया दिया गया है बेटा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी हमें दिया गया है जो कि 900 सेंटीमीटर क्यूब है। बेटा हमें बताना है इस क्यूबॉइड की हाइट क्या हो, क्यूबॉइड की हाइट हमें निकालनी है। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे बेटा सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट एल बी एंड एच, लेट एल कॉमा बी एंड एच बी द डायमेंशंस ऑफ, बी द डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस ऑफ गिवन क्यूबॉइड। ये जो हमारे पास में गिवन क्यूबॉइड है इसकी डायमेंशन हम ले लेंगे एल बी और एच, गिवन क्यूबॉइड क्यूबॉइड। ठीक है, नाउ द बेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, नाउ द बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया गया बेटा, बेस एरिया बेटा इसे डिनोट करेंगे जो कि हमारे पास में लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर आएगा, बेस का एरिया, सही बात, वो दिया गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही बात, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आल्सो इट इज वॉल्यूम, आल्सो बेटा इट इज वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम बेटा बी से डिनोट करेंगे जो कि बेटा 900 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, हम लिखेंगे बट वी इज इक्वल टू बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होगा, सही बात, तो विच इम्प्लाइज दैट वी के बदले हम 900 प्लग करेंगे ये वाला, सही बात, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ को मैं ऐसे लिखूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से और मल्टीपल करूंगा हाइट, विच इम्प्लाइज दैट 900 को ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू एल इनटू बी बेटा, ये आएगा बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट होगा, सही बात, विच इम्प्लाइज दैट 900 होगा हमारे पास में बेस एरिया, हमारे पास में 180 दिया गया है, 180 यहाँ पे प्लग करेंगे और हाइट यहाँ पे ले लेंगे, which implies that 900 ये यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे 180 डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा h हाइट। ठीक, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 91 का 9, 92 का 18 आएगा, ठीक है, 19 का 90, 21 का 2, 25 का 10 होगा, which implies that 5 is equal to h, or h is equal to बेटा 5, लेकिन क्या होगा बेटा सेंटीमीटर, क्योंकि जो वॉल्यूम हमें दिया गया था वो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया था, सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया था,
और जो सरफेस एरिया था बेस का, यानी कि एरिया बेस था, वो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया गया था, या सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था। तो एज ए रिजल्ट जो लेंथ हाइट की जो हाइट का जो यूनिट होगा वो बेटा सेंटीमीटर ही होने वाला है, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ क्यूबॉइड will be बेटा required height of cuboid h से हम डिनोट करेंगे, जो कि बेटा हमारे पास में आई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने बेटा क्या किया, इस cuboid की अपनी corresponding height निकाली। अब हम dear students इसी video lecture में next question की तरफ move करते हैं। That is dear students question number four क्या दिया गया हमें बेटा, a cuboid is of dimension 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और फिर 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कुल मिलाके हमें क्या दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुल मिलाके एक क्यूबॉइड की डायमेंशन दी गई है, लेंथ बी, ब्रेड्थ बी और हाइट बी, ठीक। अब हमें बताना पड़ेगा यहां पे बेटा, छोटे से हमारे पास में क्यूब्स भी दिए गए हैं, उन क्यूब्स का साइड भी हमें दिया गया है। हमें बताना है वो छोटे से क्यूब्स कितने बेटा हम इस गिवन क्यूबॉइड में रख सकते हैं। फिर से मैं बताऊंगा, एक क्यूबॉइड दिया गया है, जो क्यूबॉइड में बेटा मैं ये वाला ही ले लूंगा जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी से बनाया है, ठीक है बेटा। इस क्यूबॉइड की डायमेंशन दी गई है, डायमेंशन जो क्यूबॉइड की दी गई है दैट इज गिवन टू बी हियर इक्वल टू 60, 54 और 30। लेंथ इसकी 60 सेंटीमीटर दी गई है, ब्रेड्थ इसकी बेटा दी गई है, ब्रेड्थ इसकी दी गई है बेटा 54 सेंटीमीटर, और जो बेटा इसकी हाइट है दैट इज डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और हमारे पास में एक क्यूब का साइड भी दिया गया, मान लीजिए जिस क्यूब का साइड दिया गया है, जहां जिस क्यूब की बात हो रही है वो क्यूब ये वाला है, ये वाला क्यूब, सही बात, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं ये हमारे पास में गिवन क्यूब है जिसका साइड दिया गया है। इसका साइड दिया गया है बेटा ए से हम डिनोट करेंगे जो कि बेटा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका साइड बेटा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें बताना है कि अगर यही छोटे से क्यूब जिनका साइड बेटा 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, कितने ऐसे क्यूब हम बेटा रख सकते इस गिवन क्यूबॉइड के क्यूबॉइड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम निकालेंगे पहले क्यूबॉइड का, फिर निकालेंगे क्यूब का वॉल्यूम, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उसको क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक बेटा। तो वहां से हमारे पास में मिलेगा हाउ मेनी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कंटेन्ड इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वहां से हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि हाउ मेनी क्यूबॉइड कैन बी प्लेस्ड, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ दिस टाइप कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, ठीक है बेटा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हियर द डायमेंशंस ऑफ गिवन क्यूबॉइड आर, हियर द डायमेंशन ऑफ गिवन क्यूबॉइड आर, ठीक बेटे। तो डायमेंशन जो गिवन क्यूबॉइड की है वो क्या है बेटा, लेंथ को डिनोट करेंगे, लेंथ हमारे पास में 60 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ हमारे पास में बेटा 54 सेंटीमीटर और जो हाइट है बेटा दैट इज गिवन टू इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बेटा लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स विच कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड इज इक्वल टू बेटा वो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय बेटा आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड करेंगे। फिर से मैं यहां पे बताना चाहूंगा बेटा, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड की मैंने मेंशन की, लेंथ हमें दी गई 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 54, हाइट 30 सेंटीमीटर और हमारे पास में डायमेंशन दी गई है बेटा किसकी, क्यूब की भी।
जिसका जो हर एक साइड है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें बताना है कितने ऐसे क्यूब्स हम रख सकते हैं बेटा इस क्यूबॉइड में। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का हम देखेंगे कितनी दफा ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहां हम ये देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कंटेन्ड इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो जितनी बार वॉल्यूम ऑफ क्यूब कंटेन होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में, उतने क्यूब्स इस तरीके के हम रख सकते हैं अपने क्यूबॉइड में। सही बात। तो वही हमने लिखा नंबर ऑफ क्यूबॉइड कैन बी which can be placed in the given cuboid is equal to volume of cuboid divided by volume of cube। तो volume of cuboid बेटा length into breadth into height आएगा। सही बात। और divide में क्या आएगा बेटा volume of cube। volume of cube बेटा a multiple by a multiple by a होगा, यानि कि a cube होगा। वो बेटा आएगा length का value हमारे पास में 60 है, breadth का value हमारे पास में 54 है और height का value हमारे पास में बेटा 30 है। divide में आएगा बेटा a into a मतलब 6 मल्टीपल बाय 6 मल्टीपल बाय 6 आएगा। सही बात। तो 6 1 6 6 10 60 6 1 6 6 5 30 6 1 6 6 9 54। बेटा यहां पे आएगा 10 9 90 आएगा। सही बात। तो 90 यहां पे आएगा और मल्टीपल में आएगा 5 5 45 होता है बेटा 45। तो यह आएगा 450। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ दिस वेरी टाइप विच कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड, गिवन क्यूबॉइड जिसके डायमेंशन हमें दी गई वो 450 नंबर हो गए। कितने हो गए बेटा 450। देयरफॉर बेटा 450 सच क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये सब चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होगी, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट कॉल मी। थैंक यू।